पटना के सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के कारण एक वकील की जलकर मौत हो गई, वहीं तीन घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी का आलम था, यह एक लापरवाही है या हादसा? इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार को तकरीबन 1:30 बजे पटना के सिविल कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक कोर्ट के अंदर गेट नंबर 3 पर बड़ा धमाका हुआ। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई धमाके की वजह जानने की बजाय जान बचाने की जद्दोजहद में भागने लगे, लेकिन हादसे की चपेट में तीन वकील आ गए, जिसमें एक वकील की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उनकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटना के सिविल कोर्ट में धमाके की आवाज ट्रांसफार्मर विस्फोट से हुई, जिसमें वकील देवेंद्र कुमार, जिनकी उम्र 50 वर्ष की थी, मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि दो और वकील घायल हैं, जिसमें एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का आलम है। घटना की सूचना मिलते ही तमाम वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और तफ्तीश जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज एक हादसा है या लापरवाही का नतीजा? व्यवस्था ने पूरा बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, ये सरासर गलत है। ये हैंडीकैप थे, इनको बैठने के प्रॉपर जगह नहीं दिया गया, जिनका डेथ हुआ। चलने फिरने से मजदूर चाहिए। हमेशा से खेल होते रहा है और आज भी उसी खेल का परिणाम ये है। हम लोगों को जाने से दुकान बंद गया, वकील को बैठे जब नहीं है। हम लोगों को वही फटा, ट्रांसफार्मर फटा, रोड पर बैठे हुए थे, ट्रांसफार्मर फटा, मरे और क्या हुआ? रोड पर मजबूरी के तहत ना बैठे, जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो बैठे। एक पहली बात है कि यहाँ के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनको ये अपोजिट पार्टी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रहने की किसी एडवोकेट को बैठने की जगह नहीं है। और कहते हैं इन लोगों ने, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम लोग समुचित व्यवस्था कर चुके हैं, जबकि रोड पर लोग बैठे हुए हैं, एडवोकेट नोटरी वाले और सभी डिस्ट्रिक्ट जज लोग जो है चीफ को यहाँ बुलाया जाए, ताकि ये यहाँ की परिस्थिति को समझ सके, देख सके। किसी छह आदमी चले हैं, एक आदमी 12 आदमी है ना, जिसमें 12 आदमी हताहत हुए हुए हैं, 2 स्पॉट डेथ है। एक हैं देवेंद्र प्रसाद नोटरी वाले और एक अन्य पाठक जी, मुंशी हैं पाठक जी हैं। चीफ को यहाँ आया जाए और डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ आवे पधारे और ये परिस्थिति को देखें, ताकि उनको एक उचित मुआवजा मिल सके। जो है सबके ऊपर FIR हो कारण को खुद ये जो घटना घटा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पर FIR करना होगा, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर के लिए पैसा लेते हैं, वेलफेयर का पैसा लेते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? वो आज ये देवेंद्र बाबू की अगर हताहत हुई है तो उनको कंपनसेशन उससे भी मिलना चाहिए, बार काउंसिल से भी मिलना चाहिए। जिला जज भी नहीं है, जिला जज को इमीडिएट आना चाहिए। जिला जज फोटो मत खींचिए, जिला जज जिम्मेदार। देखिए यह पटना पुलिस की गाड़ी है और इसमें ही लाश को जो है ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था पटना प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, अधिवक्ताओं में रोष है। देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है उसके जलने से ट्रांसफार्मर के हालत ये है कि अभी तक ना ही सब को जो है चादर पहनाया गया है, ना ही स्टेशन एम्बुलेंस आया है। अगर यही हालत कल के टाइम पे कोई मंत्री या फिर कोई DM का हो तो कैसे लेकर जाएगा कोई? ऐसे कम एडवोकेट है ना और नोटरी है, उसको रिस्पेक्ट के साथ हुआ हादसा हुआ, ठीक है, इसको तो एक चीज नहीं दिया कोई आदमी।